राजनांदगांव के लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद दुर्ग दौरे पर पहुंचे भाजपा सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल को भारी मतों से विजय बनाने के गुण बताए। दुर्ग दौरे पर राजनांदगांव के भाजपा सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए पिछले दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा साझा विधायक ईश्वर साहू पर बयानबाजी करते हुए कहा कि ईश्वर साहू स्वयं न्यायालय में चल रहे मुकदमे में शामिल नहीं होते, वह स्वयं न्याय नहीं चाहते। ये सिर्फ भाजपा के द्वारा उठाया गया मुद्दा है, जिस पर पलटवार करते हुए राजनांदगांव के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने कहा कि ऐसा कोई भी पिता नहीं होगा जो अपने बेटे के लिए न्याय ना चाहे। कांग्रेस के शासनकाल में हुई इस घटना में भूपेश बघेल ना तो साजा गए ना ही कवर्धा गए। जहां भी कर्फ्यू लगा हुआ था, भूपेश बघेल ने स्वयं इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए वह खुद भाजपा को ना सिखाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि राजनांदगांव में उनकी जीत का आभार मोदी की गारंटी और पूर्ण बहुमत से हमारी जीत सुनिश्चित है। जीत का अंतर इस समय आंकड़ा बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत से जीत होगी, पिछले समय का रिकॉर्ड टूटेगा। ऐसा है, यह केंद्रीय नेतृत्व और हाईकमान तय करता है और भारतीय जनता पार्टी में जिसे जो भी दायित्व तो दिया जाता है उसको वो निभाते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ में कहें कि 11 ही सीट है, यदि ज़्यादा भी होता तो बीजेपी जीतती। जीतने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी का नाम पर्याप्त है, इतना विश्वास है जिसके नाम से देश की जनता कोरोना काल में और घड़ी घंट थाली बजाती है। जब वे आवाहन करते हैं दीपक जलाना है तो ऐसे दिवाली मनाती है कि दीपावली फेल हो जाता है। कुल मिलाकर के उनके बातों पर इतना विश्वास है, मोदी की गारंटी ये पर्याप्त है। मोदी जी ने जो काम किया धारा 370 से लेकर के और भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, ऐसे राष्ट्रीय प्रदेश के और मेरे क्षेत्र के अनेक काम जो हुए हैं वही मेरे जीत का आधार है और इसमें कहीं जीत में संदेह नहीं है। अंतर के विषय में मैं आपको कहूं कि आंकड़े बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। इसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।